Happy birthday to you. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है 26th of January और आज रिपब्लिक डे भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ साकिब के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन भी होने वाला है। उसके लिए केक जो है वो मैंने बना के रेडी कर लिया है और अब बस खाना बनाना है। अम्मी जो है वो प्याज कट कर रही हैं, तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। लेकिन उससे पहले आज अब्बू ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। हमने एक इंडक्शन चूल्हा जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन उसकी डिलीवरी तो हो गई थी, लेकिन ये नहीं तय हुआ था कि कब और कौन जाएगा लेके आने। और अब्बू ने आज हमें सरप्राइज़ दिया है, वो गए और लेके आए बिना बताए। मैं कपड़ा धो रही थी और मेरे सर पे ला के रख दिया उन्होंने। मैंने देखा कि क्या है, तो बोलते हैं सरप्राइज़, तो काफ़ी अच्छा लगा। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी उसका भी अनपैकेजिंग, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वैसे इससे आप सबको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आज खीर बनने वाला है। तो मैं जा रही हूँ अभी चावल धोने और अम्मी जो है यहाँ मसालों को भून रही हैं। मसालों को भूनने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें प्याज, तेज़पत्ता और हरी मिर्च या लाल मिर्च, आपको जो भी अच्छा लगे उसे डाल के फ्राई करेंगे। मसाले में है मिर्ची, लहसुन, तेज़पत्ता, जीरा और काली मिर्च। यहाँ मैं पुलाव के लिए चावल धोने जा रही हूँ। अभी जो हम प्याज और मिर्ची वगैरह फ्राई कर रहे थे वो जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें बाकी का काट के जो हमने प्याज रखा हुआ था उसे डालेंगे और ऐसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें नमक जाएगा स्वाद अनुसार, आपको जितना चाहिए टेस्ट उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्याज में ही नमक डाल देंगे। ये क्या करेगा कि प्याज को अच्छी तरह से गला देगा। यहाँ दूध जो है वो उबाल दे रही है, तो अब इसमें चावल डाल दूँगी मैं। और चावल को डालते ही चलाने लगना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम चावल डाल के मतलब अगर भूल जाएं थोड़ी देर के बाद चलाएं तो वो चावल जो है वो बाइंड हो जाती हैं, तो इस वजह से तुरंत ही चला लेना है। इधर अम्मी चिकन को धो रही हैं, साथ ही प्याज को भी हमें चलाते रहना है ताकि वो नीचे से जले ना। और जब ये कुछ इस तरह का हो जाए, मतलब हल्का हल्का गल जाए, तो इसमें हम चिकन को डाल देंगे। चिकन को हमें एक ही पानी धोना है, ऐसा अम्मी बोलती हैं कि चिकन, मटन ये सब को ज़्यादा नहीं धोया जाता है, एक पानी साफ से धो लेना है। बस चिकन डल गया, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़रूरी नहीं है अभी डालना है, अब जब प्याज में हमने नमक डाला था तब भी डाल सकते थे और अभी भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि मतलब अभी ही डालना है, ठीक है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है अपना, ये इधर ये काम कर रहा है। और यहाँ खीर जो है वो हम इसे भी चलाते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता जो है वो पहले ही रख दिया था, मतलब चावल रखते ही तेज़पत्ता रख दिया था। उसके बाद में अभी ये लौंग, इलायची वगैरह जो भी है वो डाल दीजिएगा आप, इससे खुशबू आती है। और ये खीर मिक्स था हमारे पास, तो मैं खीर मिक्स डाल देती हूँ। मुझे ऐसे थोड़ा चला के देख लेती हूँ पहले, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और डाल दे, तो ठीक है और डाल देती हूँ थोड़ा सा और इसे चला लेती हूँ अच्छे से। वैसे मैं प्रो नहीं हूँ खीर बनाने में, हमेशा अम्मी ही बनाती हैं, आज वो बिज़ी हैं इस वजह से मैं बना रही हूँ। और साथ ही हमें चिकन को भी चलाते रहना है समय समय से ताकि वो नीचे से जले ना। और ये देखिए खीर हमारा लगभग ऐसा लग रहा है कि रेडी, बस अब होने को ही है। और चिकन का कलर भी चेंज हो रहा है, प्याज गल रहा है, चिकन गल रहा है। और बस जैसे ही हमें फ्लेम ऑफ करना हो उस समय हम चीनी डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो दूध पतला हो जाएगा। चीनी डालेंगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। हमारे पास ये काजू और किशमिश ही थे बस, इस वजह से हमने सिर्फ ये डाल दिया। और ये देखिए चिकन का कलर कुछ इस तरह का हो गया है भुनते भुनते, अभी हमने इसमें मसाला नहीं डाला है और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला मैं उधर खीर देख रही थी तब तक अम्मी ने डाल दिया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद ये मसाला डाल के जो कटोरी में लगा हुआ रहता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे।
और अब मैं इधर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमारा खीर जो है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे कुकर में और यहाँ चिकन को देखिए, ये नीचे से पकड़ रहा है कढ़ाई में, इसका मतलब ये अच्छी तरह भुन चुका है। तो थोड़ी देर इसे और भुनेंगे हम, बस ऐसे एक बार चला के ढक देंगे, उसके बाद जब फिर ये लगने लगेगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है, हम इसमें प्याज के जो हमने स्लाइसेस बनाए हुए थे वो डाल देंगे और ये फ्राई होता रहेगा, इसे चलाते रहना है। वैसे अगर इसमें कम तेल रहता तो ये प्याज बहुत ही जल्दी जल जाता, मतलब लाल होके फिर जल जाता, और क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल है इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा गोल्डन ब्राउन कलर पे आने में। तो हमें थकना नहीं है, इसे चलाते रहना है, अच्छी तरह से चलाना है और गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए चिकन हमारा लगभग रेडी है, अब हम इसे चला के देखते हैं। ये देखिए नीचे से पकड़ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल रेडी है। इसके पहले भी पकड़ रहा था लेकिन हाँ एक दो बार चला के उसके बाद जब ये पकड़ने लगे तीन चार तीसरी बार तो हम इसमें पानी डालेंगे। और पहले पानी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, इस तरह पहले थोड़ा कम डालेंगे, उसके बाद अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं इसमें। और ये अभी फ्राई हो रहा है प्याज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब हम इसे छान के निकाल लेंगे एक कटोरे में या प्लेट में, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। मैंने दो तेज पत्ते लिए थे और उसके टुकड़े करके डाले हैं, और इसमें लौंग इलायची भी जाएगी। ये गर्म हो गया है तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को मैंने पहले से ही धो के और इसका पूरा पानी छान के रख दिया था, अब हम इसे डाल देंगे कुकर में और इसे चलाएंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इधर हमें चिकन को भी चला लेना है एक बार, क्योंकि पानी जो हमने डाला था उसमें उबाल आने लगी है, तो उसे भी हम चला लेंगे और चावल को चलाते रहना है, भून लेना है अच्छी तरह से। चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए अम्मी ने फ्लेम ऑफ कर दिया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ किस तरह दिख रहा है। और अभी चावल को हमें थोड़ी देर और भूनना है, ये लगभग होने ही वाला है चावल। तो ये देखिए चिकन और चावल, जैसे ही लगे कि हमें ये भारी चल रहा है तो हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस सबसे पहले हम कितना पानी डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम पानी उस लेवल तक डालेंगे जिस लेवल तक हमारा चावल है, उसके बाद जो चम्मच में जो चावल लगे हुए रहते हैं उनको निकाल के उसमें जो चावल है उससे हम मार्किंग लगा लेंगे, जैसे हम लोग उंगली से या किसी और चीज़ से जिससे भी आप लोग नापते हैं जितना कितना पानी डालना है उस हिसाब से आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद चम्मच को कुकर में डाल के जो कुकर के आसपास लगे हुए रहते हैं चावल उससे मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद पानी डाल देना है। इससे क्या होगा कि पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा और काफ़ी अच्छा पुलाव बनेगा। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इस पानी के ऊपर से प्याज डालेंगे जो कि हमने शुरुआत में ही फ्राई करके रखा हुआ था, गोल्डन ब्राउन होने तक जो फ्राई किया था प्याज वो डालेंगे, और थोड़ा सा जो प्याज है वो हम उसे बचा लेंगे, वो लास्ट में हम डालेंगे पकने के बाद। तो बस अब इसे मैं बंद करके रख देती हूँ सीटी लगने के लिए। यहाँ मैं फूड कलर लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सीटी लग गया, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और जल्दी जल्दी हम इसका ढक्कन खोल के इसमें हम ऊपर से जो हमने प्याज बचाया था वो डालेंगे और उसके बाद फूड कलर इसमें डाल देंगे और बस ढक के रख देंगे जिससे कि बाफ रहे और ये सब खुशबू इसमें रहे। यहाँ सब कुछ लगभग रेडी हो चुका है, हमने थोड़ा बहुत सजावट किया है। हेलो नूर, यहाँ जीनू जो है वो वीडियो बना रही है और लगभग 7:30 बज रहे हैं, तो चलिए अब जल्दी से केक कट कर लेते हैं। वैसे केक कैसा बनाया है कमेंट में जरूर बताइए। Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
शक्ल देखिए इसकी, इसने किस तरह से केक खाया है। और अभी अम्मी जो है वो खाना दे रही हैं सबको। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा डैडी, बहुत बढ़िया। सना, सना हैप्पी बर्थडे, कैसा था? बहुत अच्छा। नहीं वाह क्या पुलाव है, वाह मजा आ गया। बहुत अच्छी है। दोस्तों इतना अच्छा है, आप मामा को बता नहीं सकते। सभी ना अपने गाइस को प्लीज तुम रेसिपी जरूर देना, जरूर आप पुलाव जरूर ट्राई करना घर पर प्लीज। वाह, और चिकन लाजवाब। अच्छा खीर, अच्छा खीर तो हमने टेस्ट किया ही नहीं है, इसी से फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है, वैसे तारीफ तो बहुत हो गई तो अभी मैं भी टेस्ट कर लूं। खोल दो, चलो खोलो, दिखाओ सबको। जेनी, हेलो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई फ्रेंड चैनल। अभी भी इसने स्टार्ट किया है, प्लीज हम एकदम फुल सपोर्ट में है, आप भी प्लीज सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू। कम तो देखो यार मेरा क्या दिमाग लगाया है मैंने, आज तक मैंने कभी ऐसा पैकिंग ही नहीं देखा था और शायद कभी ना देखूंगी। रात के साढ़े आठ बज गया था, हमको समझ नहीं आ रहा था पैकिंग पेपर कहाँ से हम लाए, रैपिंग पेपर कहाँ से लाए, इसलिए हमने जुगाड़ करके कुछ इसे काम चलो। लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छा है, ऐसा जुगाड़ करना चाहिए। हाँ गाइस, आप लोग प्लीज जुगाड़ कीजिएगा ऐसा। और ये देखिए, ये मेरा ऊपर रखो, दिखाओ, पसंदीदा है। क्या लिखा है? हिप हॉप फैशन इज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रेस ओरिजिनेशन विद अफ्रीकन अमेरिकन यूथ ऑन द सीन ऑफ लॉस एंजल्स। ओके, से थैंक यू। कम। ओके ऑलराइट, तो अभी हमारा खाना हो चुका है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो अब्बू ने मुझे सरप्राइज दिया था वो, तो इसे लेके चलते हैं पास और इसको खोल के देखते हैं कि क्या है, कैसा है, मतलब क्या है वो तो मैंने बता ही दिया, अब देखिए कैसा है। हाँ बहुत मुश्किल से खुला है गाइस, पता नहीं था कैसे खुलता है इस वजह से। और ये देखिए जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, उसके बाद नहीं आता। हम दोनों में से कौन? हमारा इंडक्शन चूल्हा, थोड़ा नजदीक से दिखा दो। यस देखिए गाइस, ये जो गोल एरिया है इसके अंदर पकेगा और यहाँ पे काफी स्टाइलिश है ये, बिल्कुल भी मतलब एकदम नई नवीली दुल्हन की तरह लग रहा है गाइस। मुझे तो आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हमको तो एकदम नए नवीली दुल्हन की तरह लग रहा है, सजा धजा हुआ एकदम ताजा। यस यस, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब एकदम कटरीना कैफ के फिगर की तरह स्लिम लग रहा है। क्यों ना इसका निक नेम रखा जाए कटरीना कैफ। वैसे मैच नहीं कर रहा है, फिर भी ये कैट। हाँ, चलो कैट
अच्छा है। और इसमें ये स्टिक बनाने वाला भी एक स्टैंड मिला है मेरे को, हरियाली लेडीज का ये स्टैंड मिला है, इसके ऊपर यहाँ पे रख के और हम चिकन मटन जो भी हो आप इस पे रख के स्टिक बना सकते हैं काफी अच्छे से। I'm veg. अच्छा अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। और इधर दिखाओ ये यहाँ पे ये है कम और ज्यादा करने वाला, ये टाइमर ऑन ऑफ का बटन, फंक्शन सूप, बीबीक्यू बीबीक्यू आई थिंक ये वही स्टिक लगाने वाला है। हाँ बारबेक्यू यहाँ नहीं छू, गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाओ ये कैटरीना नहीं है, अरे दिल टूट गया यार, ऐसा मत बोलो। ये देखिए इजी टू कैरी और काफी बहुत लाइट लग रहा होगा, बहुत ही लाइट इजी टू कैरी, और इसे हम बिस्तर पे बैठ के भी बना सकते हैं चाहे आपका जो मन करे। जाड़ा के मौसम में तो, ठंड के मौसम में तो बताओ मत, गैस ये तो हमारे लिए अमृत है, अमृत अमृत। आप इस जगह के रखो गैस, आप लोगों को किचन तक भी जाने का तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। खाने के लिए यहाँ पे ये हैंजर भी दिए गए हैं दोनों साइड में, तो इसकी वजह से भी काफ़ी आसान हो जाता है यूज़ करना। और इसके साथ ही हमें एक मैनुअल मिला है, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, जो कि हमें बताएगा कि इसे कैसे और कब किस तरीके से यूज़ करना है। और ये देखिए ये क्या है, वारंटी कार्ड। और ये स्टैंड मैंने आपको दिखा ही दिया, तो इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए नए अपडेट्स के लिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।